अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब दोस्त कह रहे तो आप सबसे होंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं और ये पेड़, ये पौधे, ये खूबसूरती और इन पेड़ों की वजह से आज गर्मी भी यहां कुछ खास नहीं लग रही। तो चलिए दोस्तों, वो पंजाब वाली माखी भी जा चुकी है, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं उसका घराना खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, वो पता नहीं कब गई है, मैंने तो अभी और आज देखी है। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए चलते हैं अंदर हॉस्पिटल में। तो दोस्तों चलिए बेर उठाते हैं, तो फाइनली यार घर पहुंच चुका हूं। तो बहुत प्यास भी लगी है और भूख भी, तो चलिए सबसे पहले भूख और प्यास को मिटाते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी आपके लिए बचाइए, खाएंगे आप खाते तो नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत बचाइए तो आप खाएं तो भेज देता हूं मैं आपको। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी गंदम की फसल पर। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसके दाने भी आज आपको हाथों पर दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा गंदम का व्यू लेते हैं जो कि आप देख रहे हैं, अंदर चलते हैं, घास की भी रिजल्ट देखते हैं कि वो कैसी हुई है, क्योंकि घास इस सीज़न में बहुत ही अच्छी तरह उठता है और जल्दी भी हो जाता है, और यहाँ से ही ग्रीनरी नज़र आ रही है उसकी। तो चलिए सबसे पहले आपको घास दिखाते हैं। तो दोस्तों लीजिए पहुंच गए घास पर, आप ये घास देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और कितनी ग्रीन है। और यह गंदम का हिस्सा गिर चुका था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो दोस्तों फाइनली आपने गंदम के दाने मुलाहिज़ा फरमा लिए, तो चलिए अब जल्दी से चलकर वो सामने जहाँ पर हमने पेड़ लगाया था वहाँ पर चलकर उस पेड़ को मुलाहिज़ा करते हैं कि वो किस कंडीशन में है। दोस्तों चलिए। तो दोस्तों ये आज की ग्रेट न्यूज़ है, ये आप जो पेड़ हमने लगाया था आप और हमने मिलकर, ये बिल्कुल सूख चुका है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी मेहनत की थी उसको लगाने में भी, और बस जो खुदा को मंजूर। तो चलिए अब चलते हैं। दोस्तों फाइनली यार मैं घूमता हुआ यहाँ पर आया और परिंदों की आवाज़ें सुनाई देने लग गई। परिंदों की आवाज़ सुनवा दूँ, तो दोस्तों है तो सही लेकिन एक दो हैं शायद, तो आपने ये मुलाहिज़ा फरमा लिया आवाज़। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली यार बहुत रेस्ट किया घर पर और अब निकल चुके हैं शाकिर भाई के लिए इस रास्ते पर। तो चलिए शाकिर भाई के दुकान पर चलते हैं, तो देखते हैं कि वो आज क्या क्या खिलाता है। तो दोस्तों चलिए गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, चलो चलो। Thank you.
बात तेज वैसी शीशो ठीक है खड़ी। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर और ये रहे शाकिर भाई, पता नहीं क्या पर कुछ कहने तो जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या मंगवाते हैं ये। तब तक इस दुकान को मुलाहिज़ा फरमा लें आप, किस चीज़ का है आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद चाय नसीब हुई है, तो चलिए इस चाय को पीते हैं और 8 बज जाए तो फिर निकलते हैं गाँव। तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो हो चुका एडिट और हम घर वापस आ गए थे, तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अगले एक और ब्लॉग में। तब तक आप हमें और हम आपको सब दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।